बिजनौर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 फरवरी को बिजनौर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। 2 बार की बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। कल गोरखपुर सदर से भरा था नामांकन। बिजनौर में बसपा प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। बिना परमिशन सैकड़ों समर्थकों के साथ किया रोड शो। बसपा प्रत्याशी सहित 150 के खिलाफ केस दर्ज। बरेली के घूसखोर लेखपाल का वीडियो वायरल। अंश प्रमाण पत्र बनवाने के बदले ली रिश्वत। वीडियो वायरल करने पर युवक फड़काया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर जिले में दूसरे चरण में चुनाव होना है तो वहीं बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कल जहां बिजनौर के चांदपुर विधानसभा में गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है तो वहीं 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिले के डीएम एसपी सहित तमाम पुलिस प्रशासन के अफसर अलर्ट पर हैं। तो वहीं डीएम और एसपी ने पीएम मोदी के सभा स्थल वर्धमान कॉलेज का जायजा लिया। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिजनौर विधानसभा में जहां पीएम मोदी जनसभा करेंगे तो वहीं आसपास के कई जिलों की 18 विधानसभाओं में वर्चुअली तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो आसपास की विधानसभाएं हैं वहां पर वर्चुअली माध्यम से जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नईम अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं। नईम, बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है, यहां पर बड़ी जनसभा होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस जनसभा से पहले? जी देखिए, यहाँ बिजनौर में 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है और इसी दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। डीएम और एसपी सभा स्थल पहुंचकर वहां का जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही बारीकी से वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि 7 फरवरी को यहां पर पीएम मोदी आ रहे हैं बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में, और इसी को लेकर भाजपा नेता भी तैयारियों में जुट गए हैं। जी बिल्कुल, अगर बिजनौर की हम बात करें नईम, तो यहां पर जनता का क्या रुख दिखाई देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता में किस तरह का उत्साह है? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ पर आगमन पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में। भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और इस दौरे को लेकर काफी खुशियां देखी जा रही हैं। और 7 तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी बिजनौर पहुंच रहे हैं और इसी के चलते तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और 7 फरवरी को किस समय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर और कितने समय तक बिजनौर की धरती पर ही रुकेंगे? देखिए, अभी जो समय है वो समय हमें नहीं बताया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट दिख रहे हैं और जहां पर वो एक सभा को संबोधित करेंगे वहां का वो पूरा जायजा ले रहे हैं। बहुत बारीकी से चारों तरफ का निरीक्षण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नहीं मैं देखें तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी उत्तर प्रदेश में वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़े चेहरों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस बार दांव खेलने की तैयारी कर रही है। देखिए बिल्कुल, ये आपने सही सवाल किया है। ये बिजनौर विधानसभा की 8 सीटें हैं और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है इन 8 सीटों पर कब्जा करने के लिए, और इसी को लेकर यहाँ पर अमित शाह का दौरा है चांदपुर में कल, और तमाम वहां पर भी तैयारी की जा रही है। तमाम भाजपा नेता वहां तक पहुंचे हुए हैं और तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी देखिए, अगर बिजनौर की हम बात करें नईम, तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या काफी मात्रा में है,
तो ऐसे में क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स है उनको भी साधने की कोशिश भाजपा कर रही है? जी बिल्कुल, ये भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिजनौर के जो विधायक है सूची चौधरी, उनके पति मुस्लिम को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह से मुस्लिमों में भी जूनत वोटों में सेंधमारी की जा रही है ताकि बीजेपी की ओर मुस्लिमों का रुझान हो। जी चलिए ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो बिजनौर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो उच्च अधिकारी हैं वो वर्धमान कॉलेज पहुंचे हैं और यहां पर स्थिति क्या है, क्या तैयारियां हैं, उसका जायजा लिया है। तो बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर चुनावी मैदान जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस पास के 18 विधानसभाओं को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 फरवरी को प्रस्तावित है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के एवं डीआईजी साहब सभी आ रहे हैं। आज एएसएल है, सुरक्षा से संबंधित पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। हेलीपैड, मंच, सभा स्थल एवं अन्य सराउंडिंग में जो जो बंदोबस्त है उसके लिए ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और बाहर से लगभग 4 IPS अधिकारी भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सदर सीट से कल नामांकन करने के बाद आज गोरखपुर में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया, लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के साथ ही दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। सीएम ने सबसे पहले गोपाल मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेका, उसके बाद जनसंपर्क के लिए निकले। जनसंपर्क के दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। वहीं मोहल्लेवासियों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में अपने अपने घरों से फूलों की वर्षा कर आरती उतारी और जय श्री राम के नारों का उद्घोष किया। मुख्यमंत्री के साथ सांसद रवि किशन और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दी। वर्षों से, दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में 7 जला दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर कोशिश किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन महापुरुषों के शहादत और बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, जिससे आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ये उत्साह यहां पर दिखाया है और इस उत्साह के साथ आज आप यहां पर जुटे हैं। मैं तो आपके बीच का हूं, आपका आदमी हूं, आपका अपना हूं, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह उमंग के साथ हम लोगों को एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और शासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है। वहीं बिजनौर में बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, बिना अनुमति के सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया, जिसको लेकर बढ़ापुर से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद गाजी सहित 150 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिजनौर की तस्वीरें, बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है, जिसको लेकर प्रत्याशी सहित 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो ना मुंह पर मास्क नजर आता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा आचार संहिता की धज्जियां भी यहां पर उड़ाई गई हैं। तो बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाहरी संख्या में प्रत्याशी के साथ यहां पर समर्थक नजर आ रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नईम अहमद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नईम, बिजनौर में बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी है। बिना अनुमति के सैकड़ों समर्थकों को लेकर वो निकल पड़े, ना तो मुंह पर मास्क नजर आता है ना सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। मोहम्मद गाजी बसपा के टिकट से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसी को लेकर के इन्होंने एक रोड शो निकाला है जिसमें भारी भीड़ इन्होंने जुटाई है। कोविड 19 के नियमों की पालन नहीं किया गया और चुनाव आयोग के जो नियम है उनकी खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ाई गई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर बसपा प्रत्याशी सहित 150 लोगों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर प्रत्याशी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या इन प्रत्याशियों को ये नहीं पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, कितने लोगों को लेकर निकलना है, और इन्हें ये नहीं पता कि कोरोना काल चल रहा है तो मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने सभी जनपद के जो प्रत्याशी हैं उनकी मीटिंग की थी, उनको बताया गया था कि कोविड 19 का पालन करना है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और किसी ने उल्लंघन किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब बातों से ये बिल्कुल हटके काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, भारी भीड़ जुटा रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं है किसी के भी। इन्हें बिल्कुल जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसके बारे में इनको बिल्कुल भी नहीं। इस भीड़ में जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है जहाँ पे भारी संख्या में बच्चे इकट्ठे, जब ये प्रत्याशी वहाँ निकलते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस की शक्ल में निकलते हैं तो वो काफी संख्या में बच्चे बाहर निकल आते हैं और इन्हें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, उस खतरे को महसूस नहीं कर रहा है कि किस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और बच्चों को ये बाहर ना निकलने दे, इस तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। नहीं, क्या इस वाक्य के बाद प्रशासन हरकत में आया है? क्या अलर्टनेस दिखाई दे रही है बिजनौर में? जी देखिए, प्रशासन के मामला संज्ञान में आया है, प्रशासन इसको लेकर काफी गंभीरता से काम कर रहा है और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर बसपा प्रत्याशी मैदान में उतर पड़े और जा रहे थे वोट मांगने के लिए घर घर, लेकिन उनके समर्थक इतनी भारी संख्या में थे कि आचार संहिता की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है प्रत्याशी समेत, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इन्हें कोरोना का जरा भी खौफ नहीं है, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। वहीं हमीरपुर में तहसील के भ्रष्ट बाबू का घूस लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि राठ तहसील पर बाबू कामता द्विवेदी कार्यरत हैं, जिस पर मजदूर से 5,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं घूस लेने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए घूस लेते बाबू का वीडियो, मजदूर से 5,000 रुपए की रिश्वत ले ली है। हालांकि किसी ने चुपके से ये वीडियो अपने फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हमीरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे बाबू बैठे हैं पद पर जो मजदूरों से रिश्वत ले रहे हैं, किसानों से रिश्वत ले रहे हैं, आम जनता से रिश्वत ले रहे हैं। इन्हें ज़रा भी शासन का खौफ नहीं है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर एक बाबू का वीडियो वायरल हो रहा है, आराम से अपनी कुर्सी पर विराजमान है और मजदूर से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बैठे किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक कोई भी प्रशासनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर इन पर अंकुश कब लगेगा। कार्रवाई के नाम पर ये कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी बर्खास्तगी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो सारी, जो मामला है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर घूस लेने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि काम कराने को लेकर 5,000 की रिश्वत यहां पर मजदूर से ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अब्दुल सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है घूसखोर बाबू पर, क्या कोई एक्शन लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा राज का है, राज इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक बाबू ने रिश्वत ली एक मजदूर से उसकी, तो उस पर कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, एक कमेटी बना करके जांच के लिए भेजा गया। हर बार यही होता है, ऐसी तस्वीरें बहुत भी पहले आ चुकी हैं, हर बार ये कहा जाता है कि कमेटी बना दी गई है, कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी होगी, लेकिन मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी, अब क्या पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है कि इस पे कार्रवाई करी जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पे कार्रवाई होती है या कोई टाला मटोली करते हैं। ये रिश्वत किस मामले में ली गई है? जो मजदूर बताया जा रहा है जिससे रिश्वत ली गई है, वो क्या काम कराने के लिए आप पहुंचा था जिसकी वजह से उसे इतने पैसे देने पड़े? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मजदूर इससे 5,000 रुपए की रिश्वत ली गई है और मामले की भी जांच चल रही है। इनका जो भ्रष्ट बाबू, मतलब बाबू है वहां के, उन्होंने रिश्वत 5,000 रुपए मांगी थी, तो उन्होंने रिश्वत दी, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया, वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। किस काम को कराने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जी जी, अभी उनसे बात नहीं हो पाई, उनका वो अभी थोड़ा बात करने से कतरा रहे हैं, तो अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमीरपुर की तस्वीरें जहां पर घूस लेते बाबू का वीडियो वायरल हो रहा है, मजदूर से 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। हालांकि जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी यहां पर तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि अगर किस काम को कराने को लेकर यहाँ पर इस बाबू ने रिश्वत मांगी थी। वहीं बरेली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। बरेली की तहसील में अंश प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे युवक से लेखपाल ने रिश्वत मांग ली, जिसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 700 रुपए रिश्वत लेने का युवक ने वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद लेखपाल ने युवक के घर पहुंचकर उसको जमकर हड़काया, डराया, धमकाया। वहीं शिकायत के बाद तहसीलदार ने जांच शुरू कर दी है। मामला मीरगंज थाने के तहसील परिसर का बताया जा रहा है। तो चाहे हमीरपुर हो, बरेली हो, जो रिश्वतखोरी के मामले हैं ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बरेली से मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, घूसखोर लेखपाल का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्या एक्शन लिया गया, ये वीडियो कब का? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा दिनाती का है। ये लेखपाल 700 रुपए लेते हुए वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जो मुलाजिम है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो अपने आप में एक बड़े तौर पर कहेंगे कि वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं विभाग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्शन लेने की बात तो यहाँ कही जा रही है कि एक्शन ले लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अभी कुछ देर पहले हमीरपुर से भी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, अब बरेली से सामने आ रही है, यानी ये कहा जा सकता है कि इनमें जरा भी खौफ नहीं है शासन का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, और वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार इस तरीके के वीडियो। उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है, लेकिन उन पर भरोसा तो दिया जाता है और लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। यही वजह है कि सरकारी मुलाजिम जो है वो लगातार रिश्वत लेते खुलेआम है और साथ ही साथ उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने उस युवक को भी डराया है, धमकाया उसके घर जाकर। जी बिल्कुल, युवक से भी न्यूज़ इंडिया की टीम ने साफ तौर पर उससे बात की थी, तो युवक ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकारी मशीनरी है, अधिकारी है, वो लगातार उसे डरा धमका रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मतलब वीडियो जिस तरीके से वायरल किया गया है उस पर अपना पक्ष रखकर हमारा समझौता कर लीजिए। जी
चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बरेली का एक पूरा मामला था जहां पर घूसखोर लेखपाल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 700 रुपए रिश्वत ली युवक ने, वीडियो बना लिया, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो वहीं लेखपाल इससे गुस्सा हो गए और युवक को डराने धमकाने लगे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं बरेली में BDAVC जोगिंदर सिंह ने कार्रवाई करते हुए शराब व्यवसायी मनोज जायसवाल के 21 टाउन डाउन बार पर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि 100 करोड़ की टैक्स चोरी में मनोज जायसवाल जेल में बंद है। शासन की सख्ती के बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं बुलडोजर चलने से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी से ग्रामीण खुश नहीं है। ग्रामीणों ने बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। बता दें कि बरखेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद जब पूरनपुर ब्लॉक के बिहारीपुर में वोट मांगने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। इतना ही नहीं, सपा का झंडा दिखाते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीलीभीत की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनको खदेड़ दिया, उनका विरोध किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ग्रामीण जो हैं वो नजर आए हैं। वहीं कन्नौज में नशे की हालत में देवर ने अपनी भाभी के साथ मारपिटाई की है। बता दें कि आए दिन युवक अपनी भाभी के साथ मारपीट करता था। मारपीट के दौरान महिला घर में अकेली थी। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला सदर कोतवाली के मीरपुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। जनपद में शराब के अवैध कारोबारियों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कर इन कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए जनपद में छापेमारी भी की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त छापेमारी अभियान में छापा मारकर भारी मात्रा में शराब के साथ 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। शासन के निर्देश पर इस बार अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिन क्षेत्रों में इसको बनाया जाता है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से बिरुहार गांव में तालाब के किनारे चल रही अवैध शराब भट्टी को ट्रेस किया गया, जहां पर मौके से 665 लीटर देसी अवैध शराब, शराब बिक्री के करीब 6000 से ज्यादा नगद और 4.5 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। वहीं खागा कोतवाली क्षेत्र के हरदो गांव में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ छापेमारी करते हुए जयकरण, धर्मपाल और गप्पू को मौके से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 410 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री तथा निष्कर्षण की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनांक 2/3 फरवरी की रात 10 अभियुक्तों के कब्जे से 1302 लीटर कच्ची शराब व 37 कुंतल लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इसी प्रकार 3/4 फरवरी की रात में 11 अभियुक्तों के कब्जे से 1005 लीटर कच्ची शराब व 4.5 कुंतल लहन व बिक्री के 6850 रुपये की। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेने वाले लागुर नगेसिया का अंतिम संस्कार आज 109 सालों के बाद संपन्न हुआ है। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के निवासी लागुर नगेसिया की अस्थियां पिछले 109 वर्षों से अंतिम संस्कार की राह देख रही थी। वर्षों से कंकाल रखे जाने से उसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। बता दें कि 1913 में लागुर शहीद हो गए थे। समय समय पर इनकी अस्थियों को वापस किए जाने की मांग भी की गई, जो 109 सालों बाद संभव हो पाया। संसदीय सचिव और सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल से बात करते हुए लागुर की अस्थियों को नगेसिया समाज के सुपुर्द कराया और आज उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो पाया है। सामरी में हो रहे इस अंतिम संस्कार में समुदाय का एक बड़ा वर्ग मौजूद था। अस्थि विसर्जन करने के लिए जन भावनाओं को देखते हुए शहीद लागुर की विधिवत विसर्जन किया गया। संभवतः 1913 का मामला था, तब से अभी तक लोग लगे रहे, लेकिन अभी यहाँ के विधायक बनने के बाद समाज के लोग हमको बोले कि भाई इस तरह का स्थिति है,
अगर आप इसमें सहयोग करते तो अच्छा होता। मैं बोला बिल्कुल सहयोग करूंगा भाई, आप लोग के सहयोग के लिए तो हूं। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, कलेक्टर से बात किया, तो मुख्यमंत्री जी का भी उधर से जो भी आदेश निर्देश हुआ होगा, फिर इधर कलेक्टर साहब के यहाँ मिले, फिर वहाँ से ये सब स्थिति बना और आज ये सुखद क्षण हम देख पा रहे हैं कि आज 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेनानी, इनकी श्रेणी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर बुद्धू भगत, न जाने कितने लोग हैं उस श्रेणी में इनका नाम है। दुर्भाग्य से उनको हम लोग जल्दी ऊपर नहीं ला पाए, आज उनका स्मरण भी हुआ है, सब रोमांचित हैं। इसके लिए संघर्ष काफ़ी पहले से प्रयासरत था और अंतोगत्वा आज इसमें हमें सफलता मिला है और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। लगभग जो है 90 के दशक से हम लोग जो प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश कई जगह मतलब कि हम मांग करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। लेकिन आज जो है चिंतामणि महाराज जी, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किए और जो है ऊपर से नीचे तक सहयोग दिए, इसके साथ में और भी कई मतलब के हैं जो संगठन हैं, सभी ने मतलब कि इसको वो करने के लिए साथ दिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।